नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। भोपाल में 19,000 पटवारियों की तिरंगा यात्रा, सीएम हाउस से पहले पुलिस ने रास्ते में रोका। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के 19,000 पटवारी राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये पटवारी हाथों में तिरंगा लेकर अटल पथ से सीएम हाउस के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें सीएम हाउस के पहले ही रोक दिया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से सुबह 11 बजे तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई थी। यह तिरंगा यात्रा सीएम हाउस तक जानी थी, लेकिन पुलिस द्वारा यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बघेल ने बताया कि यदि पटवारी संघ की मांगे नहीं मानी गई तो 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पटवारी संघ का चरणबद्ध आंदोलन, बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पटवारियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की शुरुआत में 21 अगस्त को पटवारी सभी सरकारी ग्रुप से लेफ्ट हो गए थे और ऑनलाइन काम का बहिष्कार किया था। दूसरे चरण में 23 से 25 अगस्त तक 3 दिन सामूहिक अवकाश पर रहे। आंदोलन की इसी श्रृंखला में आज राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर के 19,000 पटवारी शामिल हुए हैं। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन, पटवारी संघ जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है उनमें पटवारी को 1998 में निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार ही वर्तमान 2023 में वेतन दिया जा रहा है। पिछले 25 साल में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि पटवारियों से पूरे सेवा काल में कार्य लेने वाले राजस्व विभाग एवं उसकी पदस्थापना वाले भू अभिलेख विभाग के सभी पदोन्नत पदों, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख का वेतनमान में कई बार वृद्धि की गई। पटवारी वेतनमान पे ग्रेड 2800 के लिए वर्ष 2007 पटवारी महाधिवेशन सनावत में घोषणा की गांठ थी। राजस्व मंत्री ने 2800 पे ग्रेड किए जाने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। इसके अलावा पटवारियों की जो मांग है उसमें पदोन्नति दी जाए, क्रमशः IR, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, गृह भाटा और यात्रा भत्ते संबंधी अन्य भत्ते बढ़ाए जाएं। पटवारी के आंदोलन को लेकर PCC चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश के पटवारी राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पटवारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते रहे हैं और अब 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वह पटवारियों की मांग ध्यान से सुने और उनके साथ न्याय करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।